डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी के एस्पायरेंट, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हम लोग 10 टॉपिक्स कर रहे हैं और इसका बहुत ग्रेजुअली, इसके लिए हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब काफ़ी लोग अधीर होकर, बहुत इम्पेशेंट होकर ये बार बार पूछने लगे हैं कि वैकेंसी कब आ रही है। अधिकतर लोग जानते होंगे कि बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया हुआ है, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, पूरा कैलेंडर है आने वाले एग्जाम्स का, उसके बाद पीटी से लेकर मेंस से लेकर इंटरव्यू तक का। तो 65वीं बीपीएससी का एग्जाम आपका सितंबर में होगा मोस्ट प्रोबेबली, और इसकी वैकेंसी अब से 2 महीने बाद जुलाई में, होपफुली किसी भी सप्ताह में, जुलाई मंथ में आपकी वैकेंसी भी आ जाएगी। लेकिन आप जितनी क्यूरियोसिटी से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, आप उससे कहीं ज्यादा मजबूती से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वैकेंसी जब आ जाएगी तो आप याद रखें कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो नए लोग हैं उन्हें इसके बारे में बहुत कम पता है कि किस तरह से ये एग्ज़ाम आपको दौड़ा देता है मैदानों में, बिना किसी तैयारी के या आधी अधूरी तैयारी के, अचानक से एग्ज़ाम के डेट्स निकाल कर। तो आप एग्ज़ाम के डेट्स, वैकेंसी के डेट्स ये जानना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। लेकिन ये आप ना भूलें कि इस एग्ज़ाम को निकालना इससे बड़ी चुनौती है। वैकेंसी जब भी आनी होगी आ जाएगी, वैकेंसी 2 महीने में 3 महीने में जब भी आनी होगी वैकेंसी आ जाएगी। आपको यह सोचना चाहिए कि इस एग्जाम को आपको अगर निकालना है तो उससे बड़ा क्वेश्चन यह है कि हमारी तैयारी किस स्तर पर चल रही है, क्या हम अभी से जो तैयारी कर रहे हैं ये तैयारी एप्रोप्रिएट है। हम लोग 10-10 टॉपिक्स कर रहे हैं, हर 2 दिन के बाद तीसरे दिन 10 टॉपिक्स कर रहे हैं, आप कितने टॉपिक्स कर रहे हैं। जो ये प्रश्न कर रहे हैं कि वैकेंसी कब आ रही है, आप ये देखें कि आप तैयारी कितनी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। वैकेंसी आ जाएगी वेरी सून, बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन आप तैयारी में किसी तरह की कमी ना छोड़ें। ये 10 टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं, इस पर आप ध्यान दें, वैकेंसी भी बहुत जल्द आ जाएगी और टाइम बीतते टाइम भी नहीं लगेगा। जुलाई में वैकेंसी आएगी, सितंबर में एग्ज़ाम होगा, आप ये गांठ में बांध लें, लेकिन उससे पहले आप अपनी तैयारी में पूरा फोकस्ड होकर इस पर आप ध्यान दें। आप याद रखें कि इस तैयारी में हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे कि इस तैयारी में कुछ भी बचा नहीं रहेगा। सिर्फ आप ये ध्यान रखें कि हम जिस बुक्स को आपको बता रहे हैं वो बुक्स आप लेते रहें, थोड़ा सा एपिसोड्स को फॉलो करें, जो मैगजीन्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ हम लोग सजेशंस में दे रहे हैं, आप इन्हें लेते रहें। आप जहाँ पे हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जितनी दूर हैं, आप वहीं पर रहकर तैयारी करें, चाहे कितनी ही मजबूरियाँ आपकी हों। बस कुछ बुक्स, कुछ सजेशंस आप हमारे मानते रहें, हमें उम्मीद है कि आपको वैकेंसी जब भी आएगी, एग्ज़ाम जब भी होगा, आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। पहले आप इस बात को लेकर अपना स्ट्रांग डिसीजन बनाएं कि इस एग्ज़ाम को आपको निकालना है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब भी वैकेंसी आती है 1000, 1200, 1400 की वैकेंसी होती है। पहले तो और भी कम आती थी, अब 1000+ की वैकेंसी आती है, फिर भी बैठने वाले कितने हैं ये भी आप जान लें। बीपीएससी में, पीटी में हर साल 3 लाख से भी ज़्यादा लड़के बैठते हैं, छात्राएँ बैठती हैं, तो संख्या इतनी बड़ी है, तो आप उस भीड़ में ना जाएं, बल्कि उस भीड़ से अलग अपना अस्तित्व बनाएं। भीड़ से अलग तब आप होंगे जब उस भीड़ में जाकर वैकेंसी और एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आप सर्च नहीं करेंगे, बल्कि आप ये सोचेंगे कि आज हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया या नहीं, आज जो हमने पढ़ा वो हमें याद रहेगा कि नहीं। तो आप पढ़ रहे हैं और पीछे के भूल रहे हैं, ये भी हो रहा है, तो इन सब बातों पर आपको चिंतन मनन करना चाहिए, इस पर आप ध्यान दें। वैकेंसी आ जाएगी, नए लोग बड़ी संख्या में इस बार बैठेंगे और पुराने लोग बहुत बड़ी संख्या में होंगे, तो जो पुराने लोग हैं वो बहुत मंजे हुए हैं, वो आप नए लोगों को चुनौती देंगे। साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू में जाकर छटे हैं, तो वहाँ से लौटे हुए आप समझ सकते हैं कि किस स्ट्रेंथ के स्टूडेंट्स होंगे, तो आपको उनसे फाइट करना है। हर बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स छटते हैं और फिर अगले एग्ज़ाम के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो आप जो नए लोग हैं, जो वैकेंसी के लिए बार बार कमेंट कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, सही है, नएपन में क्यूरियोसिटी बहुत रहता है, लेकिन आप इस पे ध्यान दें कि आपकी चुनौती बड़ी होगी। तो हम आपको जिन बुक्स के बारे में सजेस्ट कर रहे हैं, आप कम से कम उन्हें लेते रहें, जैसे हमने इनिशियली जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं, फिर से सुन लें कि आपको क्रॉन सामान्य ज्ञान वाली, रितेश कुमार वाली क्रॉन की सामान्य ज्ञान की बुक आप रखें, और साथ में क्रॉन का बिहार स्पेशल या इम्तियाज़ अहमद का बिहार स्पेशल, लेकिन पहले हम क्राउन कहेंगे कि आप लें, बिहार स्पेशल एक बुक रखना होगा, और लुसेंट का भी आप साथ में
एकदम पैरेलल आपको लुसेंट का भी समान ज्ञान रिसेंट वाला लें, पुराना आप छोड़ दें, आप नया वाला लें, चूँकि हम लोग पेजेस ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट पेज पे जाएंगे पढ़ेंगे, नहीं तो पेज खोजने में ही आपका बड़ा समय निकल जाएगा। तो हम जो कुछ बुक्स आपको बता रहे हैं आप उसे फॉलो करें। साथ ही लुसेंट की साइंस की स्पेशल बुक आती है हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश का मामला है, लूसेंट और जितने भी हमने ये बुक्स बताया ये सब इंग्लिश वर्जन में भी उपलब्ध है। तो आप ये बुक्स ले लें, साइंस का स्पेशल भी आप ले लें। तो चार बुक्स हो गई, क्राउन का सामान्य ज्ञान, उसका लूसेंट का सामान्य ज्ञान, क्राउन का बिहार स्पेशल, अभी आप ऑब्जेक्टिव छोड़ दें आप नहीं भी ले सकते, और साथ में लूसेंट का साइंस स्पेशल। तो चार बुक्स यहाँ पर आपकी हो गई। ये सब बुक्स बिल्कुल इनएविटेबल है, हमने इसलिए इसे ऐड किया है। अब रहा बात एनसीईआरटी का, तो आप इसकी चिंता छोड़ दें, वो हमारे ऊपर है। बहुत सारे लोग जब कमीशन की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप उनसे जब भी पूछेंगे जैसे उनके पास स्क्रिप्टेड है वो तत्काल बोल बैठेंगे एनसीईआरटी पढ़ो 6 से 12, 6 to 12। आप इतना पढ़ने जब बैठेंगे आप बोझिल हो जाएंगे। तो आप उसे अभी छोड़ दें, वो एनसीईआरटी आप कैसे करेंगे वो हम लोग बाद में बातें करेंगे, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, तो आप उसके लिए चिंता ना करें। लेकिन अभी आप ये ले लें, और एक प्रतियोगिता दर्पण लें, और संभव हो तो समसामयिकी महासागर लें, 35 रुपये प्राइस है, 30-32 रुपये में मिल जाती है। साथ ही अरिहंत की वाइट वाली 12 रुपये में आती है मंथली, जो वाइट वाली अरिहंत की युवा आती है वो आप डेफिनेटली लें। अगर आप उसे नहीं ले सकते हैं तो समझ लें कि आप करंट में बहुत कुछ मिस करेंगे। तो 12 रुपये की मंथली वाइट वाली अरिहंत की युवा वो मस्ट है, वो ज़रूर लें प्रतियोगिता दर्पण के साथ। अगर आप समसामयिक की महासागर नहीं भी लें तो चलेगा। तो आप इतना करें, और जो हम लोग 10 टॉपिक्स ले रहे हैं उसे आप हर हाल में कंप्लीट करें, कम से कम 7-8-6 टॉपिक्स ज़रूर करें। तो ये हो गया। आप देखिए प्रीलिम्स में एक अलग तरह की तैयारी होगी, पीटी की तैयारी बहुत टफ होती है और अलग तरह की होती है, फिर मेंस की तैयारी क्वाइट डिफरेंट, एकदम दूसरे तरह की तैयारी है, उसके लिए हम लोग अलग ढंग से चलेंगे। इस बार आपको ये मानकर चलना है कि साथ में मेंस भी हम लोग करेंगे। अब मेंस में 2 जनरल स्टडीज़ के पेपर्स होते हैं 300-300 मार्क्स के, और एक आपको अपना पेपर रखना होता है। उस पेपर को लेकर बहुत आपके मन में कन्फ्यूज़न है, कौन सा पेपर लें, कौन मार्क्स फेचिंग होता है, क्या होगा। तो अभी फॉर्म भरते समय उस पेपर के बारे में आपको डिसाइड करना है, तो आप अभी उसकी चिंता छोड़ दें। जनरल स्टडीज हम लोग जब तक करेंगे, 2 पेपर्स 300-300 मार्क्स के जो मेंस के हैं, हम लोग मेंस भी करेंगे लेकिन अभी जनरल स्टडीज़ करेंगे, फोकस उस पर करें। हम लोग ऑप्शनल कौन सा रखेंगे उस पर भी एक काफ़ी अच्छा हम लोग डिबेट करेंगे, आपका माइंड वॉच हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमें रखना चाहिए, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो सब्जेक्ट की चिंता अभी छोड़ दें, आप 2-2 जनरल स्टडीज़ के पेपर करने हैं उस पर फोकस करें। और ये स्ट्रेटजी भी सही होती है कि पहले जनरल स्टडीज़ के 2 पेपर हैं तो उसे आपको कंप्लीट करें, उस पर फोकस करें, क्योंकि अपना पेपर चुनना जो ऑप्शनल पेपर है उसमें किसी तरह का कोई चूक नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप साइकोलॉजी ले लें और साइकोलॉजी आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो आप अपने से नहीं समझ पाएंगे। तो ये बातें हैं। या इंग्लिश लिटरेचर ले लें, आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो हम कहेंगे कि सब्जेक्ट का चुनाव अभी आप छोड़ दें, अभी आप जनरल स्टडीज़ के 2 पेपर पर फोकस करें। हम लोग तैयारी इस तरह से करेंगे कि पीटी और मेंस दोनों चले, 30% मेंस और 70% पीटी पर फोकस करके तैयारी को आगे बढ़ाना है। इंटरव्यू के लिए नहीं सोचना है, वो एक अलग फैक्टर है, उस पर अभी छोड़ दें। तो पीटी और मेंस दोनों लेकर चलेंगे। आप जितने क्वेरी कर रहे हैं आप ये मानकर चलें कि पहले आप अपनी तैयारी को कंसोलिडेट करें, वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी। तो आपको क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ये प्रॉब्लम आम है। आप पढ़ रहे टॉपिक्स और पीछे के भूलते जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आप रिवीजन बिल्कुल नहीं कर रहे। हम कहेंगे कि आप जब भी 10 टॉपिक्स पढ़ने बैठते हैं आप पीछे के कम से कम 2 टॉपिक्स को ज़रूर पहले रिवाइज कर लें, तब आप नए टॉपिक्स को छुएं। पहले का जो पीछे का टॉपिक्स है वो आपका पढ़ा हुआ है तो आपको सिर्फ गो थ्रू होना है। और जब भी पढ़ें तो ब्लू और रेड पेन ज़रूर हाथ में रखें, जेल पेन रखें, रेड पेन, और अंडरलाइन करें ताकि रिवाइज करने में आपको फिर आसानी हो। तो आप इसलिए बोलते हैं कि आप रिवीजन नहीं कर रहे, तो जब भी नए टॉपिक्स करें उससे पहले एक बार पुराने टॉपिक को ज़रूर देख लें, किसी भी एक टॉपिक को, और ऐसे चलें। और दूसरा है कि आप अपनी स्टडी में
जो बिजी शेड्यूल वाले हैं वो नाइट शिफ्ट का यूज़ करें। कम से कम आपको 3 घंटे डेफिनेट निकालना होगा। रात का टाइम आप मैक्सिमम दें, संभव हो तो दिन में 1-2 घंटे पढ़ लें, नहीं तो पूरा टाइम आप रात पे दें। और जो हाउसवाइफ्स हैं या गर्ल्स हैं तो वो चाहे घर में कितना ही उलझन हो, आपको अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना चाहिए। उसके लिए अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड से आप अपने ट्यूनिंग बैठाएं, गर्ल्स हैं तो ब्रदर हैं, फादर हैं, घर में गार्जियन हैं, उनके साथ एक ट्यूनिंग बैठाएं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें हेल्प करें। सबके घरों में अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, तो हम लोग ये करना है कि एग्ज़ाम तो निकालना है, तो कॉम्पैटिबिलिटी आपको उनके साथ बनानी होगी। किसी के साथ कोई झगड़ा फसाद नहीं करना है। बहुत बड़ा टारगेट है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए फिर उतना ही बड़ा आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। इस एग्ज़ाम को इस बार देखेंगे आप लोग, अगर आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम को निकालना तो हम आपके साथ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तब इसका बेनिफिट आप देखेंगे, बजाय इसके कि आप अपने मन से कुछ भी कर लें। जितने भी लोग सुन रहे हैं हम आपको बिल्कुल कहेंगे आप इस बात को ध्यान में रख लें कि अगर बीपीएससी आप निकालना चाहते हैं तो आप सिर्फ हमारे एपिसोड्स फॉलो करें और उसे हर हाल में टॉपिक्स को कंप्लीट करें। बीपीएससी नहीं होगा ये हम मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि हर साल सीटें 1000 से 1200, 1400, 1800 होती है, तो काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग होंगे, उसमें आपको जगह बनाना है। मतलब ये कि आपको वैसा बनना होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम समझ नहीं रहे हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं। और जो कुछ भी परेशानियां हैं आपको उसे रिमूव करना होगा। आप लिख इसलिए नहीं पा रहे हैं कि एक बार लिखने के बाद आप बोझिल होकर डिस्करेज होकर छोड़ देते हैं। उसे भी हम लोग देखेंगे कि आप कैसे लिखेंगे। 65वीं में हम लोग हर स्टेप पे साथ रहेंगे। आप पहले माइंड को मेकअप करें कि इस एग्ज़ाम को निकालना है तो इतना बड़ा लक्ष्य के लिए उतना बड़ा आत्मबल आपका होगा। छोटी छोटी घटनाओं से हम डेविएट होकर इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में को कमज़ोर नहीं करेंगे और ना ही 2-3 दिन पढ़ाई छोड़ देंगे, ऐसा ना हो। तो टाइम देखिए, अब वैकेंसी 2 महीने में आ जाएगी और फिर 3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो 5 से 6 महीने या 5 से 6 महीने आप रखें कि इस एग्ज़ाम में आपको मिल रहा है, ये बहुत नहीं है। जो नए लोग हैं ये मान कर चले कि इस जो पीटी का एग्ज़ाम 65वीं का होने जा रहा है सितंबर में, उसके लिए आपको बहुत टाइम नहीं मिला है। 4 से 5 महीने आपको मिल रहे हैं, 5 महीने नए लोगों के लिए बहुत नहीं होते। तो आप टॉपिक्स को सीरियसली करें और फोकस्ड हों स्टडी पर। वैकेंसी को आना होगा, आएगा। एक और बात बहुत हो रही है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, LSW का क्या होगा। तो हमने कहा कि LSW का चिंता अभी आप छोड़ दें, LSW पे डाउट है तो LSW का आप अभी छोड़ दें। सब्जेक्ट की अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे लेकिन अभी नहीं। और पैटर्न चेंज होगा तो होगा तो होगा, उसे हम लोग फॉलो करेंगे। इसमें अगर सी सेट आएगा तो क्वालिफाइंग होगा और फिर पैटर्न चेंज होगा तो उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके साथ हम लोग हैं, साथ मिलकर हम लोग चल रहे हैं। तो आप किसी भी तरह की क्वेरी से आप घबराएं नहीं। आपके बहुत तरह का इसमें देखेंगे स्पेकुलेशन आता है, हल्ला होता है, बहुत तरह के अफवाह होता है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो भी होना होगा होगा। एग्ज़ाम निकालने वाले इन सब बातों से नहीं घबराते कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी होगा हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो इतने बड़ा एग्ज़ाम है तो टाइम आपके पास जितना अब बचा है ये आप मानकर चलें कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है, अब इसे वेस्ट नहीं करना है। ये मानकर नहीं चलना कि अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई है, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। आप अपने आप को बिल्कुल इस बात के लिए बांध लें कि जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं उसके लिए घंटी बज चुकी है, 2 महीने बाद आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो घबराएं नहीं, आप एपिसोड्स देखते रहें, हम लोग चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और एग्ज़ाम को निकालेंगे चाहे जितनी भी कठिनाई आए। टेक केयर।